जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, स्वतंत्रता का सीधा सीधा संबंध हमारे तिरंगे से है, हमारे राष्ट्रध्वज से है। स्वाभाविक तौर पर ये जानने की इच्छा होती होगी कि इस राष्ट्रध्वज का विकास कैसे हुआ। इस राष्ट्रध्वज का विकास विभिन्न ऐतिहासिक पड़ाव से हुआ। इस दौरान जो भी राष्ट्रध्वज विकसित हुए वे सब के सब आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। जैसे पहला चित्रित ध्वज जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा निर्मित किया गया। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया। यह ध्वज आपके सामने स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरा ध्वज जिसे पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारी द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यह 1905 में हुआ था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिर्फ एक कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एडी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान तीसरे ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास के में इस पर 7 सितारे बने थे। कांग्रेस के सत्र बैजवाड़ा, जिसे वर्तमान में विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, यहां आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया। चौथा ध्वज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और यह ध्वज गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना हुआ था। लाल और हरा रंग 2 प्रमुख संप्रदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। इस पर गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा भी होना चाहिए। वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यह ध्वज जो अपने वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व तो नहीं है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व तो बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत के तिरंगे ध्वज के रूप में रूपांतरित हो गया। साथियों, आपके सामने यह था हमारे तिरंगे का, हमारे आदरणीय तिरंगे का एक संक्षिप्त सा इतिहास। जय हिंद, जय भारत।